प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम विषय हिंदी कक्षा आठवीं की पुस्तक सुगम भारती का दूसरी इकाई का दूसरा सबक परोपकार के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक के लेखक श्री कृष्ण जी हैं। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में मधुमक्खी और बर के बीच जो वार्तालाप, जो बातचीत होती है, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, पेश किया है। चलिए आज हम देखते हैं हमारा दूसरी इकाई का दूसरा सबक परोपकार। परोपकार का पहला परिचय, जिसमें एक मंजर है कि एक गांव है, उस गांव के चारों ओर फूलों की क्यारियां हैं, उन क्यारियों के ऊपर मधुमक्खियां आती हैं, उस फूलों पर बैठकर फूलों का रस चूसती हैं और इस तरह से वो शहद मधु जो है तो जमा करती हैं। मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही होती हैं, मंडराती हैं और वो फूलों का रस चूस कर उसको एक खट्टा जमा करती हैं। एक मधुमक्खी फूलों पर मंडरा रही थी रस पीने के लिए। वो रस के लिए फूल पर बैठती है, तभी वहाँ पर एक गुड़ जो ततैया नाम से इसको जाना जाता है, जो वहाँ आता है, जिसे अपने रूंग रंग पर बड़ा घमंड था, वो बड़ा उसके ऊपर गुरु करता था। बर जब उस फूलों की कैरियों में आता है, वहाँ मधुमक्खी को देखकर जल भुन जाता है। बर मधुमक्खी से कहता है कि मैं भी उड़ता हूँ, आप भी उड़ते हैं, हम दोनों में समानता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बर मधुमक्खी से कहती है कि हम दोनों उड़ती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी हमारे पास, हम दोनों डंक भी मारते हैं हमारी हिफाजत के लिए। फिर लोग मुझसे नफरत करते हैं, तुमको अपने पास रखते हैं, आप तुमको पालते हैं, ऐसा मेरे साथ में वो बर्ताव क्यों करते हैं, मुझे वो दूर क्यों भगाते हैं, ऐसे कई सारे सवाल जो हैं तो बर मधुमक्खी से करता है। मधुमक्खी सारी बातें सुनने के बाद बर को बड़ी अच्छी बात आगे के परिच्छेद में बताती है।